नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, यहां पर आप में जो लोग जो इंडियन डिफेंस सर्विस हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, और उनको दोस्तों यहां पर एक बात बहुत बेकार लग रही है, वो है दोस्तों यहां पर अग्निवीर स्कीम, जिसके तहत उनको यहां पर मात्र 4 साल के लिए नौकरी दी जा रही है 75% लोगों को। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार मौका निकल कर आ रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी दोस्तों इंडिया के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक और यांत्रिक जीडी की पोस्ट निकली हुई है, जिसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आप 10th पास हो 12th पास हो या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर दोस्तों, तो आप यहां पर एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं दोस्तों इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, जो है आपके यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड यानी दोस्तों भारतीय तट रक्षा दोस्तों, उसके अंदर आपकी भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों, क्या आपकी भर्ती है, कितनी इसके अंदर पोस्ट है, क्या यहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, और आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, और दोस्तों यहाँ पर आपको फिजिकल के अंदर क्या करना होगा, आपको कितनी दौड़ करवानी है, आपको खड्डा कूदना नहीं कूदना दोस्तों, और आपका फिजिकल में मेडिकल में क्या करवाया जाएगा, वह सब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर निकली हुई भर्ती यांत्रिक और नाविक कोस्ट गार्ड की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और पर टिक करें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार से अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं इस इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर निकली हुई भर्ती है, तो यह है आपकी यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2024-25 दोस्तों, यहाँ पर 2025 के अंदर जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कोर्स है वो निकलने वाला है, उसके लिए भर्ती है। जिसके अंदर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर आपकी टोटल 320 पद हैं, जिसके अंदर दोस्तों अच्छी बात यह है कि यह दोस्तों आपकी ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया से हर स्टेट से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपकी जो योग्यता है वह दोस्तों यहाँ पर आपकी 10th पास 12th पास और डिप्लोमा, यानी दोस्तों आपने यहाँ पर 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, फिर दोस्तों आप यहाँ पर डिप्लोमा पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर एज लिमिट की, दोस्तों आपकी एज लिमिट है यहाँ पर 18 से लेकर 22 साल। जी दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका जन्म 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 तक हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2003 भी है या फिर दोस्तों 28 फरवरी 2007 भी है तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑल इंडिया भर्ती है और दोस्तों इसमें अगर आप 10th पास है 12th पास है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों में दोस्तों आप कौन से स्टेट से हैं, और आपने अगर डिप्लोमा किया है तो दोस्तों वो कौन सी फील्ड के अंदर किया है, या फिर दोस्तों अगर आप 10th पास है तो दोस्तों आपकी 10th के अंदर कितनी परसेंट है, फिर दोस्तों आपने अगर 12th पास है तो क्या आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट थे, दोस्तों यह कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करें आपकी इसके अंदर फिजिकल की, आपकी इसके अंदर हाइट कितनी मांगी गई है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वह मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपकी हाइट मिनिमम कम से कम 157 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके साथ साथ इसमें दोस्तों आपकी चेस्ट वही है दोस्तों नॉर्मल मांगी जाती है, जिसको आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना होगा। फिर दोस्तों आपका जो वेट है और दोस्तों आपका यहाँ पर आपकी बॉडी का हाइट टू वेट रेशियो दोस्तों आपको होता है जो BMI इंडेक्स, उसके हिसाब से अगर आपका बॉडी का हाइट टू वेट रेशियो सही है दोस्तों तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर माना जाएगा। फिर दोस्तों आपके जो हियरिंग है, दोस्तों आपके जो कान है वो सही होना चाहिए, अगर दोस्तों आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो देखिए मेरे पहले साथियों आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरना शुरू हो चुके हैं 13 जून से, और दोस्तों यहाँ पर आप 3 जुलाई 2024 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है आपकी सैलरी, यानी तो आपका जो वेतनमान है वो क्या रहने वाला है इस नौकरी के अंदर। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो एक है आपकी यहाँ पर नाविक कोस्ट गार्ड नाविक, और एक है यहाँ पर आपकी कोस्ट गार्ड यांत्रिक। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इन पोस्ट को सेलेक्ट हो जाते हैं
दोस्तों अगर आप बनते हैं नावे दोस्तों उसके अंदर आपको महीने के दोस्तों 21,700 रुपए तो बेसिक पे मिलेगा दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा जो अदर दोस्तों अलाउंस बनते हैं आपके HRA DNS अलाउंस दोस्तों और जो भत्ते होते हैं अलग अलग उनको जोड़ के यहाँ पर आपकी सैलरी दोस्तों और बढ़ जाएगी दोस्तों, यानी दोस्तों आपकी 7 से 8 हजार और यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी नावे की पोस्ट पर। और दोस्तों देखिए जो आप यांत्रिक की पोस्ट दोस्तों इसके अंदर आपकी महीने का वेतनमान रहेगा 29,200 रुपए प्रति महीना, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर यह तो आपकी बेसिक पे है तो यहाँ पर फिर आपके दोस्तों अलाउंस आपके भत्ते हैं दोस्तों आपका महंगाई भत्ता दोस्तों आपका यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस आपका HRA तो वह सब जोड़ने के बाद आपकी सैलरी यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाएगी दोस्तों आपकी इसके अंदर तो महीने के दोस्तों कम से कम 35 से 40 हजार रुपए मिला करेंगे यांत्रिक की पोस्ट पर। और दोस्तों जो नाविक की पोस्ट है तो उसके अंदर आपको महीने के यहाँ पर 21 से लेकर दोस्तों अगर जोड़ेंगे अलाउंस को दोस्तों आपके यहाँ पर कम से कम महीने दोस्तों 30,000 रुपए बन जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपकी सैलरी रहने वाली है नाविक की पोस्ट पर 30,000 रुपए ग्रॉस सैलरी और दोस्तों यांत्रिक की पोस्ट पर यहाँ पर आपकी 35 से 40 हजार रुपए ग्रॉस सैलरी दोस्तों रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए हम बात कर ले यहाँ पर आपकी इन पोस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नाविक GD है दोस्तों इसके अंदर सिर्फ 12th पास चाहिए दोस्तों। अगर आप नाविक GD है तो 12th पास है दोस्तों उसके अंदर आपको यहाँ पर 12th पास अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ आपके पास 12th के अंदर दोस्तों यहाँ पर मैथ्स और दोस्तों फिजिक्स आपके पास सबमिट होने चाहिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर 12th क्लास के अंदर आपके पास मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं नाविक GD की पोस्ट के लिए। और दोस्तों जो यांत्रिक दोस्तों उसके अंदर चाहिए या तो आप 10th पास हो या फिर दोस्तों आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो। अब दोस्तों डिप्लोमा आपने कर रखा हो किसी के अंदर या तो मैकेनिकल के अंदर कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखा है या फिर दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा है, अगर आपने किसी भी एक स्ट्रीम के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ज्यादातर जो भी प्रक्रिया थी उनके बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया। तो आपका सिलेक्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो नाविक और यांत्रिक की पोस्ट पर किस बेस पर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है तो वो है यहाँ पर आपका 4 फेज में होगा। तो पहले आपको यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर दोस्तों आपके ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर दोस्तों देखिए आपको यहाँ 4 स्टेज में दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसके अंदर दोस्तों फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेज में होगा। फिर दोस्तों उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी सेकंड स्टेज आएगी जिसके अंदर आपको यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा दोस्तों जिसके अंदर हम बात करें आपसे क्या करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे 1.6 किलोमीटर है दोस्तों आपसे यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ करवाई जाएगी 7 मिनट के अंदर जिसके लिए यहाँ पर आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर करने होंगे तो 20 तो आपको उठक बैठक करने होंगे दोस्तों और दोस्तों 10 यहाँ पर आपको करने होंगे पुशअप्स। तो यह आपके रहेंगे फिजिकल के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई। फिर दोस्तों थर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर दोस्तों उस मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे दोस्तों उनका यहाँ पर सत्यापन होगा दोस्तों उनके अंदर गड़बड़ तो नहीं है। फिर दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं आपके दोस्तों मार्कशीट ओरिजिनल है फिर दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल होगा 4th स्टेज के अंदर। फिर दोस्तों आपका मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बाद यहाँ पर फाइनली आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भर्ती कर लिया जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी यहाँ पर परमानेंट नौकरी है यानी दोस्तों यहाँ पर यह आपकी अग्निवीर की तरह 4 साल वाली स्कीम नहीं है यानी दोस्तों आपको यहाँ पर परमानेंट नौकरी दी जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। और क्योंकि दोस्तों ये ऑल इंडिया भर्ती है और दोस्तों इसमें अगर आप 10th पास है 12th पास है या फिर आप डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों में दोस्तों आप कौन से स्टेट से हैं और आपने अगर डिप्लोमा किया है तो दोस्तों वो कौन सी फील्ड के अंदर किया है या फिर दोस्तों अगर आप 10th पास है तो दोस्तों आपकी 10th के अंदर कितनी परसेंट है या दोस्तों आपने अगर 12th पास है तो क्या आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट थे। दोस्तों यह कमेंट करके आप जरूर बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों यह थी आप सब लोगों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर निकली हुई नाविक और यांत्रिक की जो परमानेंट सरकारी नौकरी है उसकी पोस्ट को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम राम। आपका दिन शुभ हो।